राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किसानों को भारत की आत्मा कहा था, जो सच्चाई है। लेकिन क्या मौजूदा सियासतदान भी ऐसा ही सोचते हैं? जिस तरह से देश की राजनीति के हर मंच पर किसानों की दुर्दशा का व्याख्यान होता है, उसमें समाधान की शायद ही कोई चर्चा होती है। यही वजह है कि किसान अपने हक के लिए सड़क पर है और किसान के नाम पर सियासत बुलंद हो चुकी है। जरा सोचिए, किसान परिवारों के हालात पर नेशनल सैंपल सर्वे के 70वें दौर के मुताबिक देश में औसतन सिर्फ 19% परिवारों को MSP के बारे में पता है, 15% खरीद एजेंसी के बारे में जानते हैं, सिर्फ 7% किसान परिवार खरीद एजेंसी को फसल बेचते हैं और कुल फसलों का महज 10% ही MSP पर बेचा जाता है। सर्वे के मुताबिक करीब 93% किसान परिवार खुले बाजार में फसल बेचते हैं और उन्हें बाजार की खामियों का सामना करना पड़ता है। सरकार ने 3 कानून बनाए, दावा किया कि ये खामियां दूर हो जाएंगी, लेकिन किसान सरकार के दावे से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, इसीलिए 12 दिन से सड़क पर बैठे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं। अब बारी देश की है, भारत बंद की है, तो ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। भारत बंद में एक अभूतपूर्व असर देखने को मिलेगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। भाई साहब, हम तो सीधी सी बात करना है, मोदी थे हाय ना हम जवाब दे दे। दिन 3 मांग और अन्नदाता का आक्रोश। दिसंबर के सर्द दिनों में देश की राजधानी दिल्ली किसानों के गुस्से और आक्रोश की तपिश से तप रही है। अब बारी विस्तार की है, उस आकार की है जिसकी जद में देश का हर कोना होगा। बाजार वीरान होंगे, सड़कें सुनसान होंगी, पटरियों पर रेल के पहिए थमेंगे, सब कुछ अंधाधुन होगा, भारत बंद होगा। किसानों ने यही फैसला किया है, लेकिन क्या वाकई किसानों ने ही ये फैसला किया है? समझना होगा तो ऐसे समझिए। 8 अक्टूबर को कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद है। देश के 250 किसान संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। किसानों के भारत बंद को 18 सियासी दलों का समर्थन है। सरकार किसानों को मनाने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन सड़कों पर रास्ता रोके बैठे किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। सरकार ने किसानों को बातचीत की नई तारीख दी, किसानों से और मोहलत मांगी, किसानों से सब्र से काम लेने की अपील की, लेकिन किसान झुकने को तैयार नहीं है। देश के अन्नदाताओं ने अब सरकार को अल्टीमेटम दिया है। बेंतिया मोदी जी, मुद्दे मत घुमाओ, मेन बात पे आओ, बिल कैंसिल करो, सबसे अच्छी बात आपके लिए यही रहेगी। अब किसान जाग गया है, किसान का उत्पीड़न करना बंद कर दें। जो हमें पसंद ही नहीं है वो बिल, वो क्यों थोपना चाहते हैं हमारे ऊपर? किसान कह रहे हैं हक की लड़ाई है, सरकार से जायज मांग है, लिहाजा आंदोलन में राजनीति नहीं होगी। सियासी पार्टियों को आंदोलन को अटकाने, भटकाने और लटकाने का मौका नहीं देंगे, लेकिन एंटी मोदी मोर्चे को इसमें मौका नजर आ रहा है। इसीलिए अपने अधिकारों के लिए कड़कड़ाती ठंड में करीब 2 हफ्तों से सड़क पर बैठे किसानों के कंधे पर सियासत की बंदूक चलाने के लिए बीजेपी का हर विरोधी एक साथ आ चुका है। सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, मायावती, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, सुखबीर सिंह बादल, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, के चंद्रशेखर राव, M.K. स्टालिन, असदुद्दीन ओवैसी समेत छोटी बड़ी पूरी 18 पार्टियां हैं जो सरकार के खिलाफ किसानों के साथ हैं, जिन्होंने भारत बंद का समर्थन किया है। सियासत गुंजाइश तलाशती है और किसान आंदोलन में हर पार्टी अपना नफा नुकसान देखकर स्टैंड बदल रही है। कम से कम सरकार को तो ऐसा ही लगता है। आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, UPA की 10 साल की सरकार ने यही कर रहे थे, अपने राज्यों में कर रहे थे, बढ़ चढ़ कर रहे थे। अभी मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा देश के सामने। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है, एक एक कर उन तमाम नेताओं के नाम लेकर हमला बोला।
जिन्होंने कृषि कानूनों पर सरकार से मिलती जुलती राय रखी थी। खासतौर से शरद पवार की एक चिट्ठी का जिक्र किया। यूपीए सरकार में शरद पवार कृषि मंत्री थे। इस दौरान 11 अगस्त 2010 को उन्होंने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें लिखा था, जैसा कि आप जानते हैं, कृषि क्षेत्र को देश के ग्रामीण इलाकों में विकास, रोजगार और आर्थिक खुशहाली लाने के लिए सही तरीके से काम करने वाले बाजारों की जरूरत है। इसके लिए कोल्ड चेन सहित मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश की दरकार है और इस सब के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी अहम है, जो एक कारगर विनियामक और नीतिगत माहौल के बिना संभव नहीं है। शरद पवार ने जो बात 10 साल पहले कही थी, सरकार ने वैसा ही किया है। बावजूद इसके एनसीपी सरकार विरोध में है, किसानों के बंद का समर्थन किया है। शरद पवार ने किसानों की मांगों के समर्थन में 9 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने की बात कही है। पवार की चिट्ठी को लेकर एनसीपी का क्या कहना है, सुनिए। हमें लगता है वो मॉडल एक्ट और मोदी जी का एक्ट, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। राज्यों का अधिकार मोदी जी ने छीन लिया है। एग्रीकल्चर ये कंकरेंस लिस्ट का सब्जेक्ट है। कानून अगर बनाते तो मॉडल एक्ट बनाते, राज्यों पे छोड़ देते। मोदी सरकार चीजों को लाद रही है, ये बीजेपी को समझना पड़ेगा। सरकार के खिलाफ मौका हो तो कांग्रेस कैसे खामोश रह सकती है? कांग्रेस भी भारत बंद के समर्थन में है, इसीलिए सरकार के निशाने पर कांग्रेस भी है। कांग्रेस पार्टी का 2019 के चुनाव का मैनिफेस्टो था, कांग्रेस पार्टी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट जो मंडी चलाती है उसको समाप्त करेगी और किसानों को अपने फसलों के आयात निर्यात और व्यापार पर सारे बंधनों से मुक्त करेगी। अब जरा आपको हम राहुल गांधी के कुछ वक्तव्य दिखाना चाहते हैं। 2013 में उन्होंने अपने सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी यूपी के सरकार ने, और उसमें क्या था, फार्मर्स कैन सेल डायरेक्टली इन कांग्रेस रूल स्टेट्स। शरद पवार जब कृषि मंत्री थे तब केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार थी। कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन का आज भले ही कांग्रेस समर्थन कर रही हो, लेकिन जब यूपीए 2 सत्ता में थी तो संसद में कांग्रेस ने किसानों के लिए ऐसे ही कानून का समर्थन किया था। पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल का 2012 का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, आप भी सुनिए। जब किसान होता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट को जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35-40% सामान खराब हो जाता है और इस बीच में आठ लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई है, मेरे पास आने हैं, ये बेचारे किसान को 15-17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15-17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ है या बिचौलिए के साथ, यह आप तय कर लीजिए। सिब्बल ने इसी चर्चा के दौरान कहा कि इससे किसान को ज्यादा पैसा मिलेगा, कमीशन खत्म हो जाएगा, नई तकनीक मिलेगी, किसान की तकदीर बदल जाएगी। वैसे 70 साल से देश की सत्ता पर काबिज हर सरकार यही कहती रही है, लेकिन किसान आज भी अपने हक के लिए सड़क पर है। जबकि किसान के नाम पर सियासत कल भी बुलंद थी, आज भी बुलंद है और भारत बंद के दौरान भी बुलंद रहेगी। लेकिन आप सियासी फेर में ना पड़े, 8 दिसंबर की फिक्र करें, क्योंकि सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। एम्बुलेंस और शादियों वाली गाड़ियों को छूट होगी, सियासत भी जारी रहेगी, बाकी दूध, सब्जी, राशन, मंडी सब बंद रहेंगे। भारत बंद के दौरान किसान उन रास्तों को भी बंद करने की तैयारी कर रहे हैं जिसे अभी तक जाम नहीं किया गया है। इतना जरूर है कि कुछ राज्यों ने बंद से इनकार किया है। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।